निर भाव जप है सगल भाव मिट है जिन्हें अपने गुरु के चरणों के विच केवल ते केवल शरीर करके मथा नहीं टेकिया उन्हें सुरत भी नाल टेक दी ते याद रखियो फिर दुनिया के इतिहास के विच उन्हें सिर तो जरूर लवा दिता पर सिर किसी के अगे झुकाया नहीं सिर किसी के अगे झुकया नहीं तो मैं कई बार बेनती करता हूं गुरमुखो असी अपने सिर वाले झाती मारीए साढ़े सिर कितने कितने झुकते गुरु ने तो बख्शिश कर दी ना गुरु ने तो यह आख दिता कि गुरु क्या सिखा तू केवल ते केवल शरीर नहीं जे सुरत भी मेरे कोल आण के टेकेगा जे वाकई मेरा होके रहेगा ना तो दुनिया तेनों कुछ नहीं कर सकती तू मेरे कलावे दे विच रहेगा गुरु ने तो आख दिता पर असी अपने वाले झाती मारीए भी सत संगत साडे जीवन दे विच कोई माड़ी जी कठिनाई आवे ना कोई विपता पै जाए असी बड़ी छेती होरां दरबारा वल नूं भजदे आ असी बड़ी छेती होर जगह के वालू भजते हाँ कि गुरु प्यार वालियो पंजाब की धरती जिन्हों गुरुआ पीर की धरती आख्या जाता सी जिड़ी धरती के उ मेरे सतगुरु का तार पिता ने अपने सिख के उ बेअंत बरकता कीतिया अज धड़ाधड़ जे सिख परिवार ने कहते ईसाई धर्म के तुरे जाते जाते पता कौन ने जिन्हों किसी गल का लालच हों इथे कोई गिणती नहीं प्रवान होंगी इथे सात संगत भीड़ इकट्ठी होवे ओह प्रवान नहीं होंगी इथे ओह प्रवान हुंदा जिहड़ा गुरु दे दरबार दे विच जिहनूं महाराज कहिंदे ना जौ तो प्रेम खेलण का चाहो सिर तर तली गली मोरी आओ इत मार्ग पैर तरीजै सिर दीजै दरबार दे विच क्वालिटी नूं पहले क्वांटिटी नूं नहीं पीड़ इकट्ठी नहीं हुंदी जो सतगुरु महाराज ने शमशीर कढ के ते स्टेज दे उत्तों ऐलान कीता सी पंज सीस चाहिदे ने उदो सीस देने वाले उठे सी ते जिहड़ी भीड़ सी ना वह भीड़ दौड़ गई सी भज गई सी ते उह जांदे क्यों ने इत्थे भी आपां गल कर लईए उह जांदे ने सिर्फ ते सिर्फ लालच करके कहिंदे ने जी कोई किहदे कोले चलिया गया कोई किहदे कोले चलिया गया साडे धर्म दे लोक दूजियां धर्मां दे विच जाण लग पए मैं बेनती करां जिहनूं गुरु दे नाल प्यार होएगा उह किते जाएगा नहीं ते जिन्हों गुरु दे नाल प्यार नहीं जिहड़ा लालच बस होके उन्हां दे कोल जांदा है अज कोई लख रुपया उन्हां नूं देगा ओह उन्हां दे वल चले जाणगे कल नूं 2 लख दा कोई ऑफर देगा उन्हां वल चले जाणगे ओह साध संगत गंगा गए गंगा राम जमुना गए जमुना दास गुरु दा सिख जिथे भी खड़ा होएगा ना गुरु दा सिख जिहड़ी भी धरती दे उत्ते खड़ा होएगा ओह गल करेगा तां केवल ते केवल धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी तीजे बंदे दी गुलामी सिख दे जीवन दे विच नहीं आउंदी आ गल नूं नोट कर लिया जी ते जिहड़े लोक जांदे ने जिहड़े लोक चाह दे नाल इह गल्लां करदे ने ना बई असीं शायद इस गुरु नूं छड्ड के मुक्त हो जावांगे मैं नहीं कहिंदा धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आखदे ने खसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवण जा रहे महाराज कहिंदे जिहड़े लोक इहो जिहियां गल्लां करदे ने उह अज वी डुब्बे ने उहनां ने कल वी डुब्बणा है मैं कई बार एक बेनती करता हूं एक साखी आप जी की खिदमत आखदा जावा सतगुरु कलगीधर महाराज ना एक बारी तुरिया जांदे आ महाराज ने रास्ते दे उत्ते एक पत्थर चुकिया ते पत्थर सतगुरु महाराज के हाथों के खेडिया ते वह पत्थर महाराज ने वगा के नदी के सुट दिता नाल सिख तुरे जाते हैं सिखां नूं सवाल किया महाराज ने कहिंदे सिंघो पत्थर डुब्बिया क्यों ते सिखां ने जवाब दिता कहिंदे महाराज पानी दे विच तां पत्थर अक्सर ही डुब जांदे पत्थर डुब गया महाराज मुस्कराए ते अगे नूं तुर पए दूजी वार फिर इसे तरह पत्थर चुकिया हत्थां च खेडिया पानी च सुट दिता दोबारा फिर सवाल कीता सिखो पत्थर डुब्या क्यों महाराज जी पानी दे विच भारी चीज डुब जांदी है पत्थर डुब गया तीजी वारी फिर इदां कीता ते सानू भी पता है भी जदों एक सवाल सानू कोई वार वार पुछे ना असीं बड़ी छेती तलखी चमने आ महाराज नूं सिख कहन लगे कहिंदे महाराज कानू मखौल करदे हो तुहानू वी इस गल दा पता है वी सतगुरु जी पाणी दे विच पत्थर डुब जांदा है पाणी हर एक भारी चीज नूं अपने अंदर डुबो लैंदा इस करके पत्थर डुब गया महाराज कानू साडे नाल मखौलां करदे हो सतगुरु महाराज फिर मुस्कराए अगे तुर पए चौथी वार पत्थर तां सुट्टिया पर उहनां सिखां नूं सवाल नहीं कीता इस वार सवाल कीता भाई नंद लाल मैं कई बार कहना हुंदा जे कलगीधर महाराज के दर्शन करने ने ना ते भाई नंद लाल होना पैंदा
भाई नंद लाल तुरै जाता है महाराज के नाल। सतगुरु महाराज कह लगे नंद लाल दस आ पानी दे विच पत्थर डुबिया क्यों, आवाज कोई नहीं आई। महाराज ने पिछे वेख्या ते नंद लाल एक जगह दे उते रुकिया, उहदे नेत्रां दे विच नीर वहन लग पे। ते जदों महाराज ने आख्या, महाराज कहन लगे भी नंद लाल की गल हो गई, दस सवाल का जवाब दे भाई, पानी दे विच पत्थर डुबिया क्यों। उहने दोवें हथ जोड़े कहिंदा दाता मैं सच दसा तां मैं पत्थर तां वेख्या ही पर मैनू इन्नी गल दी समझ पै गई सतगुरु कि जेड़ा इस धरती दे उते जेड़ा तेरे हथां दे विचों डिग पिया उहने अज भी डुबना है, उहने कलू भी डुबना। महाराज जी इन्नी गल दी मैनू समझ पै गई। तो गुरमुखो जिहड़ा गुरु के दरबार चो दूर जाएगा ना, तमाम दरबारा तो दुरकारे हुए बंदे इस दर के उत्ते प्रवान हो जाते ने। तो जिहड़ा इस गुरु के चरणा च आ जाए उन्हें तत्ती वाणी लगती, जिहड़ा इस दरबार तो दुरकारिया गया पेंदे खां वर्गा फिर उन्हें कितने भी जाके ढोई नहीं मिलती।